फिल्टर, मान लीजिए मुझे फिल्टर लगाना है, मतलब कि मेरा जो डेटा है उसमें से किसी एक पार्ट का डेटा ही शो करना चाहता हूँ। जैसे मेरी इस तरह का रिपोर्ट है मान लीजिए, और मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ जो है सिटी में न्यू दिल्ली को शो करना है, न्यू दिल्ली एंड नोएडा को शो करना है। तो यहाँ हम सिटी वाले पे क्लिक करेंगे और यहीं पे हम सेलेक्ट ऑल को अनचेक करेंगे, न्यू दिल्ली को सिलेक्ट कर लेंगे और नोएडा को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ भी इस तरह से शॉर्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। तो जितने भी फील्ड होंगे सबके ऊपर इस तरह से फिल्टर का निशान होगा, इसको नॉर्मली आप फिल्टर कर सकते हैं। और फिल्टर टॉप टू डाउन नहीं, आप लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं। इसमें सिटी को उठा के कॉलम में रख दिया, अब मान लीजिए मुझे इसमें से नागपुर, नोएडा, पुणे जैसी सिटी नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे जाइए, सेलेक्ट ऑल को अनचेक कीजिए और जो सिटी चाहिए उसी को सिलेक्ट कीजिए, वो आपका वही सिटी दिखेगा। तो ये आपका कॉलम फिल्टर होता है। कॉलम फिल्टर के बाद आता है पेज फिल्टर। जैसे मान लीजिए मैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट कोड को ही देखना चाहता हूँ, तो प्रोडक्ट कोड को लीजिए और फिल्टर, ये जो फिल्टर दिख रहा है इस पेज फिल्टर कहलाता है, इस पेज फिल्टर में डाल दीजिए। पेज फिल्टर में डालने के बाद कुछ इस तरह से आपका हो जाएगा और आप इस तरह से इसको देख पाएंगे। लेकिन इसका इस्तेमाल हम 2007 तक करते थे, 2007 के बाद हम इसका यूज नहीं करते, हम लोग इसके लिए स्लाइसर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं यहाँ आता हूँ और मैं यहाँ इंसर्ट में जाता हूँ, यहाँ से भी स्लाइसर ले सकते हैं, या फिर एनालाइज में भी स्लाइसर होता है, वहाँ से भी हम स्लाइसर इंसर्ट कर सकते हैं। और स्लाइसर में मैंने नेम ले लिया, मान लीजिए मैं यहीं पे सिटी ले लिया एंड ओके, यहाँ पे इस तरह का आपका एक ग्राफिकल इंटरफेस आ जाता है। अब मैं इसको जिसको क्लिक करूँगा, पुणे को क्लिक किया पुणे आएगा, मनी को क्लिक किया मनी आएगा, जिसका क्लिक करूँगा उसका हम यहाँ पे डेटा देख सकते हैं, वही हमारा डेटा विजुअल होगा। और इस तरह के फीचर मोस्टली डैशबोर्ड में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ये आपको 2013 ऑनवर्ड है, लोअर वर्जन में नहीं है।